गुड आफ्टरनून थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनी नंदा, योर असिस्टेंट टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन नंबर 14 कोलकाता रिवाइज करेंगे। कोलकाता बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल की राजधानी है और ये इंडिया की सेकेंड नंबर पर सबसे बड़ा शहर है। ये हुगली नदी के किनारे पर स्थित है, बसा हुआ है। कोलकाता जो है एक बड़ी ही पोर्ट सिटी है, जहाँ से हम सामान का आयात निर्यात करते हैं दूसरे देशों के साथ। यहाँ का जो क्लाइमेट है माइल्ड होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, और सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है यहाँ पर रेनी सीजन में, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है जिसे हम हावड़ा स्टेशन के नाम से जानते हैं, और ये हुगली नदी के किनारे पर है। और यहीं पर हावड़ा ब्रिज और कोलकाता को जोड़ने के लिए हावड़ा ब्रिज बनाया गया है। ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हावड़ा ब्रिज है, ठीक है। और ये जो ब्रिज है ये कोई ऑर्डिनरी ब्रिज नहीं है, ये स्टील से बना हुआ है। और देखिए, इसके नीचे कुछ भी, कोई पिलर नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए। ये एक साइड से शुरू होकर दूसरी साइड पर ख़त्म है, और बीच में इसके बैलेंस के लिए, इसके सपोर्ट के लिए इसको कुछ भी नहीं है। और ये किससे बना हुआ है? स्टील से। आगे क्वेश्चन भी है ना इसीलिए। और ये देखने के लिए लोग बाहर से, दूर से इसको जाते हैं। और ये हावड़ा ब्रिज जो है, ये हावड़ा को, स्टेशन को कोलकाता से जोड़ता है। आगे है कि ये एक ट्रेड सेंटर भी है, ये बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है। यहाँ पर टेक्सटाइल, जूट, केमिकल्स, फुटवेयर, पेपर, राइस मिल्स, ग्लास वर्क, सभी काम होते हैं, कारखाने हैं इस चीज़ के यहाँ पर। नेक्स्ट पेज पे कुछ और बताया गया है कि कोलकाता में सबसे पहला शहर है जहाँ पर अंडरग्राउंड रेलवे या मेट्रो रेलवे सबसे पहले शुरू हुई थी। ट्रैम्स भी, जो सड़क पे पटरियाँ बनी होती है, बसेस चलती हैं ना, उस पर छोटे छोटे सिंगल डिब्बे चलते हैं, वो भी यहीं पे चलते हैं, ट्रैम जिसे कहा जाता है। इसके बाद कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं, पॉइंट हैं जहाँ पर हम घूमने जाते हैं, जगह हैं देखने वाली। द फोर्ट विलियम, द इंडियन म्यूजियम, बिरला प्लैनेटेरियम, बोटैनिकल गार्डन, अलीपुर जू, बेलूर मठ, रविंद्रनाथ सरोवर, साल्ट लेक स्टेडियम और विक्टोरिया मेमोरियल। इनमें से विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में आप यहाँ देखिए, नीचे पिक्चर भी दी गई है, और बिरला प्लैनेटेरियम के बारे में। एक यहाँ पर ईडन गार्डन है जहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड है, बहुत ही बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है जिसे क्या कहा जाता है? ईडन गार्डन। यहाँ पे मोस्टली हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है। राइस और फिश यहाँ का कॉमन फूड है। भोजन क्या है? मछली और चावल। और यहाँ की जो स्वीट्स हैं वो क्या है? रसगुल्ला, चमचम और संदेश, ठीक है बच्चों। इसके बारे में दुर्गा पूजा यहाँ का मेन फेस्टिवल है, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। फुटबॉल इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ कोलकाता। कोलकाता में जो है फुटबॉल यहाँ के प्रसिद्ध खेल है, फेमस। विश्व भारती यहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिससे कि ये दूसरे देशों के साथ कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। और यहाँ के जो लोग हैं संगीत के, नृत्य के और पेंटिंग के बहुत शौकीन हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबल प्राइज़। कोलकाता के रहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने पहला नोबल प्राइज़ प्राप्त किया था। अब हम इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। टिक द मार्क करेक्ट आंसर। फर्स्ट है, कोलकाता इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। कोलकाता जो है नदी के किनारे पे बसा हुआ है, कौन सी? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या हुगली? तो राइट आंसर है हुगली, हुगली नदी के किनारे पर है। द अंडरग्राउंड रेलवे फर्स्ट स्टार्टेड इन, जो पहली जमीन के अंदर रेलवे चली वो कहाँ से शुरू हुई थी? दिल्ली से, कोलकाता से, मुंबई या चेन्नई? तो कहाँ से शुरू हुई थी? कोलकाता से। हावड़ा ब्रिज इज़ बिल्ट ओवर द रिवर। हावड़ा पुल जो बना है वो कौन सी नदी पर बना है? नर्मदा, गंगा, इंदूज या हुगली? तो राइट आंसर है हुगली। तो फर्स्ट हमारा क्या है? हुगली पर टिक लगाना है।
सेकेंड का कोलकाता उस पर राइट का निशान, और थर्ड भी हुगली है उस पर राइट का निशान. राइट येस और नो अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इज द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता ऑफ एक्सट्रीम टाइप? नो. माइल्ड टाइप का है वहाँ का, तो हम ये क्या है? नो. इज कोलकाता फेमस फॉर जूट इंडस्ट्रीज? येस. आर द पीपल ऑफ बंगाल वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग एंड सिंगिंग? येस. इज विक्टोरिया मेमोरियल मेड ऑफ ब्लैक मार्बल? जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो काले मार्बल संगमरमर से बना हुआ है? नो. आगे हैं क्वेश्चन हमारे. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज हावड़ा ब्रिज ए डिफरेंट ब्रिज? जो हावड़ा पुल है वो एक अलग तरह का पुल क्यों है? आंसर है, बिकॉज इट इज मेड ऑफ स्टील. क्योंकि ये स्टील से बना हुआ है. इट हैज़ नो पिलर्स टू सपोर्ट इट. और इसके लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए इसके नीचे कोई भी पिलर नहीं बनाया हुआ. पिक्चर में दिखाया था मैंने अभी आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉमन फूड्स ऑफ द पीपल ऑफ कोलकाता? कलकत्ता के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? आंसर है, राइस एंड फिश. चावल और मछली यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है. तो जिन बच्चों का ये काम कंप्लीट नहीं हो, लेसन कंप्लीट कर लेंगे आप लोग और इसे लर्न करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका टेस्ट रखेंगे. ओके, थैंक यू.